नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैनोरमा लर्निंग में। मैं राहुल यादव आपके लिए सीटेट के ईवीएस सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया अर्नेस्ट हैकल जी ने। एजेंडा 21 संबंधित है रियो सम्मेलन से। ओजोन क्षरण का कारण है क्लोरीन गैस। वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो CO2 पाया जाता है 0.03%, आर्गन पाया जाता है 0.93%। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? तो ये उपमा है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इटाई रोग किसके कारण होता है? ये होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश है, प्रथम नंबर पे है चीन, सेकंड नंबर पे है अमेरिका। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई, वह किस गैस रिसाव के कारण हुई? मैं फिर से दोहराता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई? ये हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? ये होता है 4.2 से कम। भूमिगत जल मतलब ग्राउंड वाटर के प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। कौन से हैं दोस्तों? आर्सेनिक और फ्लोराइड। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है आर्सेनिक की अधिकता होना। जलीय विषैल पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसे जाना जाता है? जलकुंभी। जलीय विषैल पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाने जाने वाला एक पौधा है जलकुंभी। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? देहरादून में, जो कि 1982 में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ है। एक आंकड़े के अनुसार अभी सन 2014 में भारत में 2226 टाइगर हैं। टाइगर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ है? नागपुर में। कुछ डेट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सीटेट को लेकर। ईवीएस में आपको कम से कम दो डेट मिलेंगी, तो मैं आपको हर वीडियो में कुछ डेट से रूबरू कराता रहूँगा। तो आज ये 4 तारीख आपके बीच में लेकर आया हूँ, जिसमें है 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट जो 1936 में बना, जो कि है उत्तराखंड में। इसी तरह आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप बस बने रहिए हमारे पैनोरमा लर्निंग क्लासेस में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।